दिल्ली से, दिल्ली पुलिस में ही अधिकारी है आदरणीय मनीष मधुकर जी, जो बनारस हम लोगों के बहुत निवेदन करने पे आए हैं। मैं सादर उनको इस माइक तक आने के लिए आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप आए। आपकी जोरदार तालियां कम से कम बनारस वाले ये दिखा दे कि दिल्ली वालों को वो कैसा सुनते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप जिस ऊर्जा के साथ यहाँ बने हुए हैं, निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी यात्रा की थकान आपकी ऊर्जा पूर्ण कर दे रही है। मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ना चाहता हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत कहने सुनने वाले लोग हैं। अगर मेरे पीछे बैठे लोग थोड़ी देर शांति का दान देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ हर माहौल के कवि हैं दमदार मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छा आपको हास्य दे रहे हैं। राष्ट्र प्रेम के अलग जगाया भाई मोहन मुंतजिर ने, इन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं किसी औरत का आदमी नहीं हूँ। मेरे बारे में दमदार कह रहे थे कि ये पुलिस के आदमी है, कविता के आदमी है, गजल के आदमी है, इसके आदमी है, उसके आदमी है। मैं बताऊं, पुलिस वाले बड़े सच्चे और शरीफ लोग होते हैं। मैं सही सही बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ सर, ना मैं तो पुलिस का आदमी, न बिहार का आदमी, न दिल्ली का आदमी, न इसका आदमी, न उसका आदमी, मैं विशुद्ध अपनी घरवाली का आदमी। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय महेश जी को, जो इतनी हिम्मत कर पाए कि कविता सुनाने आए हैं और भी पत्नी के साथ आए हैं। इतनी हिम्मत, और वो इसलिए आए हैं कि जब इनकी शादी हो रही थी तो पंडित जी ने फेरे दिलाते वक्त कहा था कि बेटा महेश, सातों जन्म में इसी से काम चलाना पड़ेगा। आज देखिए, बाबा विश्वकर्मा का दिन है, इतना अच्छा दिन है, बाबा विश्वकर्मा के मंदिर में चलते हैं और चार पंक्ति प्रार्थना के गुनगुनाते हैं, तो महेश जी क्या गुनगुनाने आए हैं उनके मन की चार पंक्तियों में बात रखता हूँ, फिर अपनी मोल दिला पे लौटता हूँ। चार पंक्तियां महेश जी क्या कहने आए हैं बाबा विश्वकर्मा के दरबार में, कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, ये सात जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए, ये सात जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए। स्कूल में पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, महेश जी ने पिछले दिनों कहा मनीष जी बहुत सारी बातें लिखते हो, इधर उधर की कविता लिखते हो, गंभीर कविता लिखते हो, पत्नी पे कविता क्यों नहीं लिख लेते। सुरेंद्र शर्मा जी पत्नी पे कविता लिखते लिखते पद्मश्री हो गए, आप भाग्यश्री तो हो जाते। मैंने कहा महेश जी मैं पत्नी पे कविताएं कदाचित नहीं लिखता, कविताएं कागज पे लिखता हूँ, पत्नी पे तो दो ही कविता लिखी थी, फिलहाल दोनों स्कूल गए। बहुत ज्ञान की बात पढ़ाते हैं स्कूल में, क्या क्या पढ़ाते हैं मैं बताता हूँ। मेरे को कहने लगे कि यार कुछ ज्ञान की बात मेरे से सीख के जाओ, बड़े हैं हमारे, तो मुझे सिखाया कि देखो अपनी माँ के तो पांव छूने ही चाहिए, साथ साथ बच्चों की माँ के पांव जरूर छूने चाहिए। और पत्नी से घर में सुखी रहने का तरीका बताता हूँ, क्या सिखाया एक शब्द के माध्यम से रखता हूँ। उन्होंने क्या सिखाया कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, जितने शादीशुदा मजबूर आदमी बैठे हैं, जितने शादीशुदा पत्नी के मजदूर आदमी बैठे हैं, जितने मजबूर आदमी बैठे उनके लिए मंत्र दिया महेश जी ने, आदरणीय ने क्या कहा सुनिएगा, कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए, कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए, और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने, बड़े और बुजुर्ग जितने बैठे हैं बुजुर्ग इधर से देखिए, पत्नी पे और
सातों जन्म में बदलने के नाम पे जो बाबा खिलखिला रहे थे, दांत नहीं है मगर खिलखिला पूरा रहे। तो ये बड़े और बुजुर्गों ने क्या सिखाया आज अगली पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए, और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए, कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए, और अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की ही पत्नी, पर किसी की भी पत्नी से प्यार करते रहिए। आज देखिए बाबा क्या खिलखिला रहे हैं। अरे बुजुर्गों का अपना मजा है, लाइट खुल रही है। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं बड़े बहुत कमाल होते हैं इनकी। अरे इनकी 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 अब देखिए क्या जमाना आया है, मर्द को मर्द माला पहना रहा है, वो भी मंदिर में, कहीं ढंग की जगह से पहनवाता तो मैं दूसरी बार शादीशुदा हो जाती। तो जो बाऊजी खिलखिला रहे हैं, हर उम्र में प्यार होता है दमदार, इनकी तरफ से चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि काली हो चाहे मोटी हो भुंडी नहीं लगती, इस उम्र में कोई खराब नहीं लगती साहब, कि काली हो चाहे मोटी हो भुंडी नहीं लगती, बेशक हो 60 साल की बूढ़ी नहीं लगती, बेशक हो 60 साल की बूढ़ी नहीं लगती, बुढ़िया का हाथ थाम के बूढ़े ने ये कहा, कि बुढ़िया का हाथ थाम के बूढ़े ने ये कहा, तुम जब से दिल में आई हो सर्दी नहीं लगती, तुम जब से दिल में आई हो सर्दी नहीं लगती, दूरी भले कितनी हो पर दूरी नहीं लगती, कि दूरी भले हो कितनी पर दूरी नहीं लगती। क्या खिलखिला रहे हैं बाबा, तो टीका लगाने वाले बाबा भी पूरा रंग दे रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो क्या पढ़ रहा था मैं, खैर अरे और सुना देता हूँ, और सुना देता हूँ। तो मैं महेश जी की बात कर रहा था, महेश जी इनसे मन कहीं हटता नहीं, चूंकि ज्ञान के देवता हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, प्रशांत जी और महेश जी दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं और इतनी ज्ञान की बात बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी माँ आई, चार पंक्तियां ये सुनिए। अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि भाई मैं तो संयोजक हूँ, मालिक आदमी हूँ। मैं कहा देखो जी शादी शुदा आदमी, मालिक तो क्या नौकर बनने लायक नहीं बचता, ये फितूर वितूर निकाल दिया करो स्कूल के गेट पे, घर जाओगे तो दो जगह, हम लोग सरकारी कर्मचारी है सब, दो जगह त्रस्त रहते हैं, अपने दफ्तर में अफसर से और घर में साले की सिस्टर से। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक दो मुक्तक और हास्य के सुनाता हूँ कि मालिक हूँ घर का। आज देखिए मालिक कैसे लग रहा है राजा, मुस्कान देखिए बनारसी भैया का, कि मालिक हूँ घर, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि महेश जी की तरह पत्नी के साथ नहीं आए। एक बार प्रशांत भाई के लिए तालियां बजाइए भाई। कि मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, काबिज है मेरे घर में जब से साले की सिस्टर, काबिज है मेरे घर में जब से साले की सिस्टर, अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, कि अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर। एक दिन जोश में आके प्रशांत भाई बोले कि बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं, कि बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं, तू थाम मेरा हाथ के बदनाम हो जाऊं, तू थाम मेरा हाथ के बदनाम हो जाऊं, तू सुर्फ नखा बन के मेरी जिंदगी में आ,
ऐसा इजहार बनारस काल भी कर सकता है कि तू सुरप ना खा बन के मेरी जिंदगी में आ, कटवा के तेरी नाक मैं भी राम हो जाऊं, कटवा के तेरी नाक मैं भी राम हो जाऊं। दमदार बोला, भैया इतनी पत्नी पे लिख सुन लेते हो, कह सुन लेते हो, घर जाते हो रोटी मिल जाती है। मैं कहा तू भी कभी ये जोखिम लेके देखना बेटा, चार पंक्ति का मंत्र बताता हूँ, जो भी कभी इतनी पूरी फहरिस्त है, जो जो पत्नी पे लिखने का जोखिम उठाता हो, मेरे इस चार पंक्ति को मंत्र मानना, जो ऐसा मैं करता हूँ बड़ा भाई तुम्हारा जैसा करता हूँ वैसे ही करना। मैंने कहा कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए, पत्नी पे कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए। गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कि गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कहते ही इतना पाँव में फिर लौट जाइए, कहते ही इतना पाँव में फिर लौट जाइए। बहरहाल बात अपनी यही समाप्त करने से पहले चार पंक्तियां ये कहना चाहता हूं, ये सब हास्य और विनोद जी, आज हास्य विनोद की बातें थी। मैं हास्य विधा में बहुत कुछ नहीं लिखता पढ़ता, मगर बनारस अद्भुत शहर है जहाँ के नाम में ही रस हो, तो मैंने भी कोशिश की कि आप लोग के चेहरों पे थोड़ी मुस्कान दिखेरू। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं अपने तेवर की। मैंने कहा कि कलम से तेज से आंखों से लब से बात करता हूं। ये जो नए लड़के बैठे हैं बनारस के लिखने वाले, आप भविष्य हो, सुनना। मैं कहना चाहता हूं, कुछ कविता पढ़ना चाहता हूं प्रबुद्ध लोगों के बीच में। मैंने कहा कि कलम से तेज से आंखों से लब से बात करता हूं, कि कलम से तेज से आंखों से लब से बात करता हूं, हो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूं, कि कलम से तेज से आंखों से लब से बात करता हूं, हो राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूं, भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में लेकिन, कि भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में लेकिन, अदब की महफिलों में मैं अदब से बात करता हूं, की महफिलों में मैं अदब से बात करता हूं। चार पंक्तियां और देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, चार पंक्तियां ये देना चाहता हूं। मैंने कभी कहा कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं, कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं, कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं, कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं, कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं, और जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, कि जब जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूं, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूं। मित्रों, जीवन में परमात्मा के दरबार में बैठे हैं, गंगा के तीर पे बैठे हैं, जीवन में सब कुछ रखिएगा, अहंकार मत रखिएगा। एक मतला और एक शेर पढ़ना चाहता हूं दमदार। मैंने कहा कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, तू दिया है बहु दिए की बाती है, कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, तू दिया है बहु दिए की बाती है, और अहंकार वो डायन है जो सोहरत हो, कि अहंकार वो डायन है जो सोहरत हो, नई उम्र में कच्चा ही खा जाती है, क्या अहंकार वो डायन है जो शोहरत को नई उम्र में कच्चा ही खा जाती है। इसलिए आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि बोझ सर से उतारिए साहेब, बोझ सर से उतारिए साहेब, ऐसे हिम्मत नहारिए साहेब, कि बोझ सर से उतारिए साहेब, ऐसे हिम्मत न हारिए साहेब, सिर्फ पुतलों से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ पुतलों से कुछ नहीं होगा, मन के रावण को मारिए साहेब, कि मन के रावण को मारिए साहेब। मैंने कभी कहा कि मन के जीत को जीता कर तू, मन के हार को हारा कर, कि मन के जीत को जीता कर तू, मन के हार को हारा कर, लोभ मोह लालच की कश्ती सरपट दोस्त किनारा कर, कि मन के जीत को जीता कर तू, मन की हार को हारा कर,
लोभ मोह लालच की कश्ती सरपट दोस्त किनारा कर, और राम तेरे मन के मंदिर में बस जाए ये मुमकिन है। कि राम तेरे मन के मंदिर में बस जाए ये मुमकिन है, लेकिन मन के रावण को तू सबसे पहले मारा कर। लेकिन मन के रावण को तू सबसे पहले मारा कर। यहाँ बहुत सारे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, माँ तुल्य लोग बैठी हैं, बाबा विश्वकर्मा का दरबार है, जिन्होंने सृष्टि के शिल्पी और इस राष्ट्र के शिल्पी दोनों का जन्मदिन आज है। दोनों को बधाई प्रेषित करने के लिए जो कविता का कार्यक्रम रचा गया है, तमाम आयोजकों को, इसको करने वाले, इन्हें सुनने वाले और तमाम यज्ञकर्ताओं की जय करते हुए चार पंक्तियां माता पिता के लिए पढ़ के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। दुनिया में कोई नाता सगा हो सकता है, माँ से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और बहुत लोग माँ पे दुनिया भर की कविताएं होती है, जब ये सफेद केस वाले पिता तुल्य लोग बैठे होते हैं, उनके बारे में मन से कुछ ना कहा जाए तो बड़ा लगता है। मैंने कहा कि पिता कौन होता है, मैंने कहा कि चोंच में, प्रभु नमस्कार, कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर, कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर। और एक पलरे में वो रखते थे हमारी गलतियां, कि एक पलरे में वो रखते थे हमारी गलतियां, दूसरे में गलतियों को भूल जाने का हुनर, दूसरे में गलतियों को भूल जाने का हुनर। वही मैंने कहा माँ के लिए, मैंने कहा कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, कि रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर, कि माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर। माँ हिंदी के सेवक है, कविता के सेवक है, चार पंक्तियों के साथ बात समाप्त करना चाहता हूं। हम कवियों की पूजी क्या होती है, आपकी तालियां, आपके पैसे, आपके लिफाफे हमारी पूजी नहीं होती। हमें दुनिया में जहां दर्द दिखाई देता है, दर्द के पुष्प को चुनकर कविता में ढालकर, मैंने कभी एक दोहे में लिखा कि भावों के शब्दार्थ जब शब्दों में ढल जाए, जन्मे मन की कोख से तब कविता कहलाए। हमें तालियां आपकी उत्साहित करती है, आपका धन एक अलग बात है, मगर हमें क्या चाहिए होता है कि मैंने कहा कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी, आप तमाम कवियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल साथ रहे, प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे। भगवान विश्वकर्मा के दरबार में दुआ पढ़ता हूं कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल साद रहे, प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे। तो गीत, गजल, कविता, चौपाई, तो गीत, गजल, कविता, चौपाई से कवियों का जीवन है, तो गीत, गजल, कविता, चौपाई से कवियों का जीवन है, तो कविता जिंदाबाद रही है, कविता जिंदाबाद रहे, कविता जिंदाबाद रहे।